राजस्थान के उत्तर पश्चिम रेलवे में बिजली से ट्रेनों का संचालन शुरू होने में अब ज्यादा देर नहीं है। सब कुछ ठीक रहा तो 4 से 5 महीने बाद जयपुर में इलेक्ट्रिक ट्रेन दौड़ने लगेगी। इलेक्ट्रिफिकेशन से जुड़े ज्यादातर काम पूरे किए जा चुके हैं। देश में विद्युतीकरण से जुड़े काम केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन रेलवे का PSU राइट्स RVNL कर रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे में ज्यादातर काम कोर और राइट्स करा रहे हैं। राइट्स द्वारा जयपुर सवाई माधोपुर के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा कर लिया गया है, लेकिन बावजूद इसके मार्च से पहले इस रूट पर बिजली की ट्रेन नहीं चल सकेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले दिनों जयपुर स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग किए जाने के चलते कई ऑपरेशनल पॉइंट्स नए बनाए गए हैं, वहीं सिग्नलिंग सिस्टम भी नई विकसित की गई है, जिसके कारण कोर के अधिकारियों की दलील है कि अब दोबारा से ड्राइंग बनाई जाएगी और नए सिरे से योजना बनाकर काम शुरू किया जाएगा, जिसे पूरा होने में फरवरी तक का समय लगेगा। गौर करने वाली बात यह है कि राइट्स ने सवाई माधोपुर से शिवदासपुरा तक का काम पूरा कर लिया है और इसे CRS ने मंजूरी भी दे दी है। कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जरा इस पर नजर डालते हैं तो जयपुर से सवाई माधोपुर 131 किलोमीटर, फुलेरा से जयपुर 55 किलोमीटर, जयपुर से बांदीकुई 91 किलोमीटर, भरतपुर से बांदीकुई 97 किलोमीटर। इलेक्ट्रिफिकेशन से क्या फायदा होगा ये भी जानते हैं। ट्रेन की औसत गति में इजाफा होगा। जयपुर मुंबई के लिए सवाई माधोपुर में इंजन बदलने की जरूरत नहीं रहेगी। फुलेरा तक इलेक्ट्रिफिकेशन होने से जोधपुर अजमेर जुड़ सकेंगे। दोनों ओर से लगने वाले समय में बचत होगी। जयपुर से UP की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। आगरा कानपुर इलाहाबाद लखनऊ जैसे स्टेट इलेक्ट्रिफिकेशन से जुड़ सकेंगे। जयपुर से इन शहरों के लिए चलने वाली ट्रेनों की संख्या में इजाफा होगा। कुल मिलाकर रेल मंत्रालय के दबाव में ये सभी रूट अगले साल मार्च तक पूरे हो जाएंगे और ऐसी संभावना है कि अगले साल मार्च से जयपुर से दिल्ली और अन्य रूटों पर विद्युतीकृत ट्रेनें चल सकेंगी। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज।